नमस्कार, स्वागत है सभी का। सुबह हो रही है, वीडियो शूट कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। वीडियो में दी गई सूचना अच्छी नहीं है, ठीक है, बुरी ज़्यादा है, और जिन बच्चों के लिए अच्छी है वो डिसलाइक कर देंगे, और जिनके लिए अब अच्छी नहीं है वो सवाल कर देंगे, लाइक कोई नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सूचना ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से आए हैं दो अपडेट। कितने? दो अपडेट आए हैं। एक अपडेट आया है 30 नवंबर को जो कि पॉजिटिव है, एक अपडेट आया है 27 नवंबर को जो कि 80% नेगेटिव है, ठीक है। हम आपको दोनों अपडेट देंगे। तो यदि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो ये सूचना आपके लिए है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठंड लग रही है, मौसम खराब है, ऊपर से तबीयत खराब है, इसीलिए ये गमछा बांध रखा है, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। पहले बात करते हैं बुरी खबर की। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह के वक्त में कैसी बुरी खबर लेकर आ गया है मनुष व्यक्ति है, मनुष पता नहीं कौन है, लेकिन एक लिस्ट आई है वेबसाइट पर, और ये लिस्ट जो आई है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, मैंने तो नहीं इसको जारी किया है, और इसके अंदर बच्चों के नाम है 944 बच्चों के इसमें नाम है। इन 944 बच्चों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अलग अलग सब्जेक्ट्स में। इसका आपको ध्यान होगा, मैं बता देता हूँ, जिनकी संख्या थी 21, ठीक है। इन 21 सब्जेक्ट में 944 बच्चों ने आवेदन किया था, लेकिन इन 944 में से 318 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया यूनिवर्सिटी ने। कितने? 944 में से 318 बच्चों को यूनिवर्सिटी ने कर दिया है डिस्क्वालीफाई। क्यों कर दिया डिस्क्वालीफाई? कारण मालूम है? कारण तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, कारण आप लोग पता कर लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं बस कि क्यों डिस्क्वालीफाई किया है यूनिवर्सिटी ने। बच्चे थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि मैं लिस्ट ही देख रहा हूं, और बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि मार्कशीट भी लगानी होती है आप लोगों को। यदि आप नेट हैं तो सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, यदि आप EWS हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यदि आप PH कैटेगरी में हैं, यदि आपने MPhil पास कर लिया तो सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा ना। नहीं लगाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में, उसको आपने नहीं लगाया, और आपने नहीं लगाया, आपने सोचा इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद सबमिट कर देंगे, यूनिवर्सिटी को पट्टी पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको भुगतनी पड़ेगी, अब भुगतेंगे नहीं, नुकसान तो आपके माँ बाप का होगा, आपका क्या होगा, ना आपने फीस जमा करी अपने पैसों से, ना आपकी उम्मीदें टूटी। आप कहेंगे माँ बाप से बस सीटें कम थी, एडमिशन नहीं हुआ, अपनी गलती नहीं बताएंगे कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया हमारी छोटी सी गलती से। और गलती छोटी सी कौन सी है मैं वो भी बता देता हूँ। छोटी सी गलती ये है कि इन 318 बच्चों ने, अब 318 बच्चे तो ये इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन 318 बच्चे इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ भैया, अब ये तो यही जाने कि इनकी क्या थी, ठीक है। अब वो बच्चे सुने कि जिनको बुलाया जाना है, उनको कब कब बुलाया जाना है मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, लेकिन आपका नेट का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और JRF सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग, फोटो अपलोड नहीं की, ये देखिए फोटो तक अपलोड नहीं की बच्चों ने, MPhil का रिजल्ट अपलोड नहीं किया। अगर रिजल्ट नहीं आया तो भैया अंडरटेकिंग भरना था ना आपको, अगर रिजल्ट नहीं आया है आपका, मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो अंडरटेकिंग का ऑप्शन था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, अभी भी मौजूद है फॉर्म का फॉर्मेट, वहां से फॉर्म को करते डाउनलोड, उसको फिलअप करते, स्कैन करके अपलोड कर देते, फॉर्म आपका सबमिट हो जाता और फॉर्म आपका सिलेक्ट हो जाता। लेकिन नहीं, इतनी मेहनत क्यों करेंगे आप, समझदार जो है। चलिए अब डांटेंगे नहीं, अब पॉजिटिव खबर पे आते हैं। ये नोटिफिकेशन जो नेगेटिव था ये 30 नवंबर का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, 27 नवंबर का नोटिफिकेशन, जिसके अनुसार आप लोगों के इंटरव्यू की डेट आ गई है। 3 दिनों तक आपका इंटरव्यू चलना है, 13, 14 और 15 दिसंबर 2021 तक। कितना? 13, 14, 15 दिसंबर 2021 आपका इंटरव्यू चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाना होगा, इसका मतलब ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, सिनॉप्सिस आपको साथ लेकर जाना होगा,
टाइप करके लेकर जाइएगा और उसी सिनॉप्सिस को अपने पेन ड्राइव में या मोबाइल फोन में या ईमेल आईडी पर भी सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, सिनॉप्सिस को टाइप करके लेकर जाना है, साथ में ही सिनॉप्सिस को पेन ड्राइव में या प्रिंट और या ईमेल आईडी में या फोन में सेव करके भी लेकर जाइएगा, हो सकता है आपसे पीपीटी के रूप में भी मांगा जाए। ठीक है, चौथी बात, सिनॉप्सिस बनाना हिंदी में है या अंग्रेजी में है, इस बात के लिए यूनिवर्सिटी ने क्लियर कह दिया है कि सिनॉप्सिस बनाने का फॉर्मेट किस किस क्या क्या पॉइंट रहेंगे, सिनॉप्सिस के क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन क्या, हाइपोथेसिस क्या, चैप्टर डिस्कशन क्या, रिव्यू लिटरेचर क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, क्वेश्चन क्या, कंक्लूजन, ये जो भी फॉर्मेट होता है ना, इसके बारे में कंसल्टेशन और ये किस लैंग्वेज में रहेंगे, ये बच्चे अपने विभाग से कंसल्ट कर लेंगे जाने से पहले। इस बात का आप रखेंगे विशेष रूप से ध्यान, मैं डेट आपको बता दूंगा किस दिन किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, घबराइए मत, लेकिन जो जरूरी बातें हैं उसको आप सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे तो हो सकता है वहां जाने के बाद आपको रिजेक्शन मिल जाए, वहां जाने के बाद रिजेक्शन हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आप लेके ना जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने होंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू होना है तो बड़ी जरूरी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात, आपका यदि कोविड का टीका लगा है, एक डोज या दूसरा डोज, दोनों लगे हैं अच्छी बात है, नहीं लगा है एक तो भी अच्छी बात है, एक भी नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, मरिए जाके बाढ़ में मर जाइए, दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, कुछ हजार मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं ना आपको फर्क पड़ेगा ना आपके दोस्तों, यानी तो आपके अच्छे दोस्त होते ना, मारते आपके लपट कनपट्टी पे दो और कहते जाइए डोज लगवा कर आइए, नहीं तो हमसे मिलना जुलना बंद कीजिए, ही हम साहसी हैं, समझदार हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी आप जाएंगे तो आपके कोविड का टीका लगा है या नहीं इसका प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, अगर प्रमाण पत्र का नहीं है तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा, उसको साथ लेकर जाइएगा। दूसरी चीज, कम से कम चार पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम बता रहा हूँ चार, ज्यादा रखेंगे अच्छी बात है, कम से कम चार पासपोर्ट साइज फोटो कलर में हो उसको लेकर जाइएगा। ठीक है, अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, पेन कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड गाना बन गया यार, चलिए कोई बात नहीं, पेन कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसको साथ रखिएगा और कलर में रखिएगा। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको उन सभी का जेरोक्स भी करवा लीजिएगा, दो दो जेरोक्स कॉपी। ठीक है, एक कॉपी वहां सबमिट होगी, मैंने क्या बताया, अप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, चार पासपोर्ट साइज फोटो और क्या, हाँ ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शेड्यूल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 10th, 12th, BA, MA, MPhil जो भी आपने किया है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी दो दो फोटोकॉपी। आप जिस आधार पर एग्जामिनेड हुए हैं, चाहे आपका नेट है, JRF है, नेट है, JRF है, RJNF है, MNF है, MPhil है, उसका प्रूफ भी साथ रखिएगा। और साथ में बहुत जरूरी चीज, रिसर्च प्रपोजल, जिसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, SOP, शोध प्रस्ताव की पूर्व पीठिका, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, उसको भी साथ लेकर आप लोग जाएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं, हाथ जोड़कर अपील भी करता हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ध्यान से, यदि दिमाग में दिमाग है, यदि भूसा नहीं भरा है। अब सुन लीजिए डेट और सब्जेक्ट और समय, दिन समय और विषय। ठीक है, समय दिया है 9 बजे से 10 बजे का, सुबह का रात का नहीं है, और ये इंटरव्यू का समय नहीं है, रिपोर्टिंग का समय है, सुबह 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आपको यूनिवर्सिटी में अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंचना है, रिपोर्ट करना है, आपकी अटेंडेंस होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, सिनॉप्सिस जमा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाएगा, इसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, और तीनों ही दिन में ये समय है 9 बजे से 10 बजे तक सुबह। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी आप जाएंगे वहां से अपने घर आएंगे तो आने जाने का किसी प्रकार का किराया एक TADA यूनिवर्सिटी नहीं देगी, इस बात को भी सुन लीजिए। अब चलते हैं इंटरव्यू की डेट और सब्जेक्ट पर। ठीक है, पहले बात करते हैं, ये पहला सब्जेक्ट है म्यूजिक, इंटरव्यू की डेट है 13 दिसंबर, और हाँ 13 दिसंबर को 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं मेरे को, और ये इंटरव्यू 2 अलग अलग कैंपस में होंगे। ठीक है, 2 अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू होंगे, पहले मैं पहले कैंपस की बात कर लेता हूं और मैं आपको वेन्यू भी बता दूंगा। ठीक है, 13 दिसंबर को 4 सब्जेक्ट का इंटरव्यू रखा गया है, म्यूजिक, एजुकेशन, इंग्लिश, तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर। फिर से सुन लीजिए, म्यूजिक, एजुकेशन, इंग्लिश, तिब्बत लैंग्वेज एंड कल्चर, 13 दिसंबर को इंटरव्यू है, और 14 दिसंबर को इंटरव्यू होगा ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ, ट्राइबल स्टडीज, हिंदी, कॉमर्स। ठीक है, इन
आठ सब्जेक्ट के बच्चों का इंटरव्यू जिस कैंपस में होगा उसका नाम सुन लीजिए, इसका नाम है परमानेंट कैंपस स्कूल बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, विलेज चेरी मंटू, पीओ बॉक्स नंबर कैमरी पीएस कन्नड़ रांची 835222। ये कैंपस का नाम है, कैंपस का नाम है परमानेंट कैंपस, याद रखिएगा ठीक है। यहाँ होंगे आठ सब्जेक्ट के इंटरव्यू 13 और 14 दिसंबर को, सब्जेक्ट आठ है मैंने बता दिए। अब चलते हैं अन्य दूसरे कैंपस पे, दूसरे कैंपस का नाम है बर्मे कैंपस, BRAMBE बर्मे कैंपस। इन कैंपस में लगभग 13 सब्जेक्ट के इंटरव्यू होने हैं ठीक है। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं वह सुन लीजिए, मास कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस। इन बच्चों का इंटरव्यू, सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा 13 दिसंबर को ठीक है। बर्मे कैंपस, डेट है 13 दिसंबर, सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन 13 दिसंबर को ठीक है। 14 दिसंबर को इंटरव्यू होगा, कैंपस यही है बर्मे कैंपस, याद रखिएगा। 14 दिसंबर को सब्जेक्ट का नाम सुन लीजिए, एनर्जी इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 14 दिसंबर को इंटरव्यू रखा गया है, तो 13 और 14 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होना है ठीक है। फिर 13 और 14 दिसंबर को इंटरव्यू होना है, गलती से इसमें 15 डेट लिख दी गई है ठीक है। तो ये आपकी डेट है, वेन्यू बता दिया, माध्यम बता दिया, सिनॉप्सिस किस भाषा में बनाने का ये बता दिया, उसके क्या क्या पॉइंट रहेंगे ये भी बता दिया। कुछ बातें यदि मुझे छूट गई हैं, स्किप हो गई हैं, गलत तरीके से बोला है तो मुझे माफ कीजिएगा और सवाल को भेज दीजिएगा, डिसलाइक को भेज दीजिएगा। कोई आपके पास कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई जानकारी हो शेयर करने वाली हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और अपने सवालों को तेज कर लीजिए। इंटरव्यू में जाना है तो अपने सवालों की क्षमताओं को तेज करिए, क्योंकि आपके सवाल ही हैं जो सामने वाले के जवाब को शांत कर सकते हैं। इंटरव्यू की कला होती है ये, कि अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है ना, सवाल इतना बेहतरीन रखिए कि सामने वाला जवाब देने से पहले हक्का बक्का होकर रह जाए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।